नेक्स्ट ERV सेम रहेगी लाइक द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वैसे ही हमारी वॉल्यूम रहती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब आप अपनी बॉडी से CO2 को वो झटका मारकर बाहर फेंकते हो, दैट इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी आपकी एडिशनल है, मतलब नॉर्मल तो हमारी 500 में आएगी, लेकिन अगर फोर्सफुली आप किसी चीज को कर रहे हो तो वो आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर आएगी। नेक्स्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, वैसे तो एज देयर नेम इंडिकेट रेजिडुअल वॉल्यूम मींस हमारे अंदर रही हुई वॉल्यूम। हम जब भी चाहे आप कितना ही फोर्सफुली एक्सपायर करो, फोर्सफुली इंस्पायर करो, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने बॉडी से सारी ही CO2 को बाहर फेंक दिया। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप बॉडी से सारी CO2 को एकदम से रिमूव कर पाओ। तो मतलब आपकी बॉडी में जो रही हुई वॉल्यूम है वो रहती है लगभग 1100 to 1200 मिलीलीटर। फोर्सफुली आप इतना रिलीज कर सकते हो, लेकिन जो बची हुई है वो है 1100 to 1200। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स मीन्स आपके फेफड़ों में रही हुई जो वॉल्यूम है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी भी यहाँ नाम से ही इंडिकेट हो जाता है, जब हम बहुत तेजी से एक्सपायरेशन करते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, उसके बाद वाली जो वॉल्यूम बॉडी में बचती है उसे हम वाइटल कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी बॉडी की किसी एयर को रखने की कितनी है वो आपकी वाइटल कैपेसिटी के अंदर आती है। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, एक सच्ची कैपेसिटी, सच्ची क्षमता आपके लंग्स की। और इसमें आप छोटे से फॉर्मूला से इसको याद कर सकते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लास्ट टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, आपके जो लंग्स हैं उन्होंने मैक्सिमम इंस्पायर तो कर लिया, लेकिन उनकी सांस रोकने की कैपेसिटी कितनी है। जैसे हम लोग मतलब मैक्सिमम कोई पर्सन 3 मिनट तक सांस रोक सकता है, अगर आप भी ट्राई करो तो आप 30 सेकंड तक सांस रोक लोगे, लेकिन आप अपने इस टोटल लंग कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, आप प्राणायाम करके, अनुलोम विलोम करके ही आप अपनी इस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। तो मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद आपकी सांस रोकने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ मैक्सिमम और मैक्सिमल इंस्पायरेशन, ये जो टर्म मैंने अंडरलाइन की है यहाँ पर यही समझने वाली है कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद आप अपने लंग्स में गैस को, ऑक्सीजन को कितने टाइम तक स्टोर रख सकते हो, दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। होप कि आपको सारी लंग कैपेसिटी समझ आ गई होंगी, इनको वॉल्यूम्स के साथ ही आपने लर्न करना है।